नमस्कार, नवभारतटाइम्स.कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनेश्वर कुमार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार की सुबह जेल की छत गिर गई थी। इस हादसे में 22 कैदी घायल हुए हैं। घायलों में दो की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं भिंड जेल में बंद कैदियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हादसे के बाद जेल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 6 की छत जर्जर हालत में थी। इसके साथ ही दीवार भी उसकी खराब हो गई थी। लगातार बारिश की वजह से यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही जेल की दीवार गिर सकती है। इसके बावजूद भी प्रशासन के तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें लग रहा है कि कैदियों को इस बात का अंदेशा था कि छत गिर सकती है। इस दौरान जेल के कुछ सुरक्षाकर्मी वहां मुआयना के लिए भी आते हैं। इस दौरान कैदियों में भगदड़ मच जाती है। कैदी बाहर टहल रहे थे बैरक के। इस दौरान जब उन्हें लगा कि अब छत गिरने वाली है, इसके बाद कैदी बैरक के अंदर चले गए और छत भरभरा कर गिर गई। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस दौरान बैरक में मौजूद 22 कैदी मलबे के नीचे दब गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे मलबे के अंदर से निकलने के लिए कैदी छटपटा रहे थे। बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 6 में कुल 62 कैदी मौजूद थे। सभी को ग्वालियर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जो कैदी बैरक के अंदर थे वह बच गए हैं। इस घटना को लेकर जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जेल प्रशासन को जब पहले से इस बात का अंदाजा था कि छत जर्जर हो चुके हैं और हादसा कभी भी हो सकता है, फिर वहां कैदियों को क्यों रहने दिया गया? समय रहते जेल के उस बैरक को खाली क्यों नहीं करवाया गया था? इन तमाम सवालों को लेकर जांच